हाँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग आवाज आया एक्चुअली थोड़ा मैं uh, गोल्ड के ऊपर मैं बात करना चाहता था uh, जैसे कि देख रहा था मैं कि uh, गोल्ड प्राइजेस जो है मतलब लास्ट ये मंथ के तो uh, करीबन 1800 तक गोल्ड था जो अभी uh, जो गया था ट्वेंटी uh, के बाद वो करीबन 1900 के ऊपर चला गया था मतलब uh, 1970 तक करीबन चला गया और वापिस से थोड़ा सा uh, 1900 तक आ गया है तो अभी जो मतलब बहुत सारे मतलब टीवी पे इंटरव्यूज भी आ रहे हैं कुछ एक्सपर्ट्स भी बात कर रहे हैं कि और गोल्ड आगे बढ़ सकता है हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि थोड़ा सा हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो भी मतलब मार्केट की जो वोलेटिलिटी उसकी वजह से गोल्ड प्राइस ये हो चुके बट वॉर चल रहा है और उसका क्या और इम्पैक्ट आ सकता है एंड क्या और गोल्ड आगे और उसकी मतलब जर्नी दिख रही है आगे या आ, यही तक सीमित रहेगा मतलब ये लेवल तक सीमित रहेगा गोल्ड Uh, भवसे सर देखो सबसे पहले तो ओवरऑल अगर आप समझो कि मैंने जब ऑडियो भी दी थी जब आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी मैंने कहा था कि 2022 में गोल्ड ऊपर है ब्रॉडली सो गोल्ड 2022 में सिल्वर 2022 में ऊपर ही जाना है ओवरऑल बट रिसेंटली मैंने एक गोल्ड के ऊपर एक वीडियो हमने अपलोड भी करी और हमारी कुछ एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन भी थी कि गोल्ड 1900 डॉलर्स एक ऐसा लेवल था कि वहां से तीन से पांच परसेंट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है जो कि गया और वापस वो 1900 डॉलर्स तक वापस आ गया बराबर कायदे से गोल्ड को ऊपर ही बढ़ना है मगर पॉइंट ये है कि बीच में माइनर रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आते रहेंगे मेरे को जो यहां से एक समझ आ रही है देखो मैं इसको वॉर लाइक -like जो सिचुएशन है इसको हमने पहले भी समझाया कि लिमिटेड वॉर तो हमें दिख रही थी रशिया यूक्रेन अभी चाइना ताइवान भी दिख रही है ईरान सऊदी भी दिख रही है और ये हम शायद पिछले दो महीने से डिस्कस ही कर रहे हैं जब वॉर हुई बड़ा भी, बड़ा बड़ा। मेरे को जो यहाँ से डेवलपमेंट दिखती है मैं दोबारा एक बार रिहाइड्रेट करता हूँ फिफ्थ सिक्स मार्च तक जो मार्केट का रुख दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि ओवरऑल रशिया ने जितना कब्जा करना होगा यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेगा और उसके बाद टेबल पे आ जाएगा नेगोशिएट करने के लिए बताओ जी, करना क्या है वहां से जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि रशिया अपने ही कुछ अपने जो एलाइज हैं उनके पास कुछ टेरिटरीज यूक्रेन की दे देगा उनके रूल के अंडर और कुछ टेरिटरीज यूक्रेन की अपने पास रख लेगा शायद फोर्टी फिफ्टी परसेंट अपने पास रख लेगा जहां पे मेजर रिसोर्सेज हैं और कुछ टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट करके आईडली वो एक तरह से अपने एलाइज के कंट्रोल में ले आएगा आने वाले समय में शायद आप देखेंगे कि कुछ ऐसी जैसे वायरस की चाइना में थी वो यूक्रेन में भी पनप रही थी अभी न्यूज में कहीं नहीं है मगर आने वाले समय आपको दिखेगा कि वायरस की कुछ लेबोरेटरीज भी यूक्रेन में थी जिसके ऊपर इसने रशिया ने अटैक किया प्लस जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बनाने की कोशिश थी दोबारा हालांकि आपको याद होगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज यूक्रेन के पास थी मगर वो यूएस के इन्फ्लुएंस में आगे उसने उसको खत्म करने की कोशिश करी या खत्म नहीं कराया जो भी है तो जो कि रशिया को थ्रेट लग रहा था right. यानी कि रशिया इमीजिएटली इन द नेक्स्ट थ्री फोर फाइव डेज कंट्रोल कर देगा यूक्रेन के ऊपर जितना करना है और कहेगा आओ जी टेबल पे बैठ नेटो नहीं चाहेगा कि वो टेबल पे बैठे नेटो चाहेगा कि ये लिंगर अपॉन होता रहे ताकि उसकी रेपुटेशन रशिया की वो और खराब करते रहे अब इसमें right. दूसरा पॉइंट आता है यहां पे एंड ऑफ मार्च के आसपास आपको शायद याद होएगा हमारी पहले ही बात हुई थी कि मार्च के लास्ट वीक में और अप्रैल टेंथ तक मेरे को फिर एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है मार्केट वॉलिटिलिटीज की अब वो रशिया यूक्रेन दोबारा होता है या चाइना ताइवान होता है वो देखने पड़ेगा क्योंकि ये तो बता मुश्किल है कि कौन कहां पे मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं बट मेरे को मार्केट सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है कि क्योंकि इस टाइम पे तीन ही सिचुएशन बन रखी है एक चाइना ताइवान है रशिया यूक्रेन है और तीसरा ईरान सऊदी है राइट right. तो एक लिमिटेड कैपेसिटी में मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक दोबारा ऐसी टेंशन दिखती है है बट वहां फिर गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा कोई दो नहीं है उसके आसपास बट है गोल्ड उससे पहले ही बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट तो तो पहले ही तो पहले ही ही फॉरवर्ड लुकिंग होती है गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा सिमिलरली जून फर्स्ट वीक से स्टार्टिंग फिर दोबारा मेरे को एक वार लाइक सिचुएशन दिख रही है या कुछ दिक्कत दिख रही है जिसमें फिर गोल्ड बढ़ते हुए दिख रहा है जून स्टार्टिंग में जो कि मैंने पहले भी कहा था कि जून जुलाई अगस्त के आसपास फिर एक सिचुएशन ऐसी बनते हुए दिख रही है जहां पे गोल्ड बढ़ते हुए दिख रहा है तो यानी कि फिर दोबारा अपने को वो सिचुएशन मिल सकती है अब यहां पे जो अटैक है ये जो जो वार लाइक -like सिचुएशन है ये वार लाइक सिचुएशन एग्रवेट तभी होगी जब नेटो बीच में आएगा अब नेटो बीच में आएगा का मतलब जर्मनी फ्रांस इटली बैक्ड बाय यूएस यूके ये सब बीच में कूदेंगे तो एक ये थोड़ा बड़ा शेप ले लेगा और मुझे इस पे भी एक लगता है कि अगर रशिया ना भी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक करे नेटो कंट्री फैब्रिकेटेड आपस में ही एक अटैक करके दिखा देंगे कि रशिया ने अटैक किया और फिर वो फुल ब्लोन रशिया के ऊपर चार्ज करना चाहेंगे जो कि ऐसे सक्कम अगर बनेंगे फिर मार्केट में और दिक्कतें दिखती हैं जो कि अभी फिलहाल दिख रही हैं क्योंकि मार्केट में वो जो लेवल था जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था जो मैंने मैसेज दिया था वो दे लेवल दे टूटा है वो लेवल टूटने का मतलब कि मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि भैया दिक्कत ये बड़ी हो सकती है बराबर अब अब ये दिक्कत फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होती है या मार्च एंड और अप्रैल के बीच में होती है या जून में होती है वो देखने वाला सीन बनता है कि वो कब होती है हालांकि मेरे जो नजर में वो ये है कि अप्रैल एंड के बाद मेरे को मार्केट सुधरते हुए दिखती है तो यानी कि अगर होना होगा तो अप्रैल टेंथ तक हो जाए और अगर नहीं होना होगा तो फिर जून जुलाई अगस्त के आसपास दिखता है क्योंकि जून जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट में वैसी ही शेप दिख रही है जो मैंने अक्टूबर 2021 में कहा था जो मेरे को अप्रैल तक दिख रही थी तो आज मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे को जून जुलाई अगस्त में वही शेप दिख रही है जो मेरे को अप्रैल तक दिख रही थी यानी कि क्वाइट अ वोटाइल यू कॉल सिचुएशन और right. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अमित सर बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट एनालिसिस या जो मार्केट ओवरऑल है मिनरल्स के परस्पेक्टिव से भी ये जो अटैक होगा जो फुल ब्लोन वार बनने की संभावना बनेगी वो कहीं ना कहीं वॉटर लिंक्ड होगी yes, यस सर तो, लास्ट टाइम भी आपने बताया या या तो नेवी नेवी के साथ चार्ज होएगा या वाटर में एक्सप्लोजन के साथ होएगा या कुछ ऐसा या इवन हो सकता है कुछ आ, आ, मैंने ये भी कहा था कि अभी ये नेचुरल कैलेमिटीज का भी टाइम आ जाएगा अभी फर्स्ट वीक ऑफ yes. मार्च के आसपास नेचुरल नेचुरल कैलेमिटीज का भी टाइम आ जाएगा तो वाटर के साथ इंपैक्ट होते हुए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन होते हुए दिख रही है और मैंने कुछ मैसेज हमारे CXOs के नेटवर्क पावर में इंपैक्ट होते हुए दिख रहा है इसलिए मैं ये सारी चीजें उसको फोरलेट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां पर आई थिंक गोल्ड का मैंने आपको मैसेज दे दिया ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही है मगर ओनली पॉइंट माइनर रिट्रेसमेंट आती से